नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा। चलिए नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सारंगढ़ पुलिस को एक बार फिर कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल सारंगढ़ पुलिस को आज मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति उड़ीसा से गांजा लेकर सरायपाली की ओर जा रहा है। मुखबिर के सूचना के बाद सारंगढ़ थाना प्रभारी आशीष वासनिक ने गांजा तस्कर को पकड़ने के लिए तुरंत एक टीम को रवाना कर दिया, जिसके बाद सारंगढ़ पुलिस ने गांजा तस्कर को तानसरा बेरियल के पास धर दबोचा। बताया जा रहा है पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 7 किलो गांजे के साथ एक सोल्ड मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। वहीं गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए आरोपी का नाम बनवारी सेठ बताया जा रहा है, जो कि ओडिशा के सोनपुर जिले का निवासी है। वहीं पुलिस के बताए अनुसार आरोपी गांजा को बसना के क्षेत्र में खपाने ले जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुखबिर की सूचना पर दानसरा बेरियर पे उड़ीसा का एक व्यक्ति है जिसका नाम बनवाली सेठ है, उसको पकड़ा गया। उसके पास से 7 किलो गांजा जिसकी कीमत 50,000 रुपए है और एक सोल्ड मोटरसाइकिल हमने पुलिस द्वारा जब्त की गई है और NDPS एक्ट की कार्रवाई इसके ऊपर की जा रही है। सर कहाँ से आ रहा था कुछ जानकारी? ये उड़ीसा के सोनपुर से आ रहा था और बसना गांजा लेके जा रहा था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एशियन 24।